सभी प्यारे साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जो लोग बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं और ईएमआरएस का एग्जाम अगर ब्रेक करना है, बिहार पीजीटी का एग्जामिनेशन ब्रेक करना है, तो फिर समझौता क्यों। हमारे साथ जितने भी लाइव सेशन होते हैं उनमें बने रहिए, यूट्यूब के जितने पीजीटी के वीडियोज हैं उनको देख डालिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। पीजीटी में जो 500 क्वेश्चन की बुकलेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैंने आप तक प्रोवाइड की है। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाकर के फोकस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए लाइन से। उसके बाद मैं फिजिकल करा ही चुका हूं, इसको करिए और फिर दोबारा रिवीजन चलेगा ईएमआरएस की भरपूर तैयारी के लिए। अगर हमारे साथ बने रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पर अब शुरुआत हो रही है ईएमआरएस के परफेक्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस की। ईएमआरएस एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे नंबर लाना है, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन सभी बातों पर भी अनुज शर्मा आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि ईएमआरएस एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लान क्या करना है आपको, कैसे आपको नंबर ज्यादा पा लेना है, कैसे आपको अचीवमेंट कर लेना है और सिलेक्शन ले लेना है, पेपर का लेवल कितना होता है, पेपर कठिन होगा या सरल होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि ईएमआरएस का पेपर का लेवल क्या होना चाहिए। क्या ये नवोदय से मिलता जुलता लेवल होगा, क्या ये पेपर नवोदय को कॉपी करेगा, क्या ये ईएमआरएस का पेपर नवोदय की डिट्टो कॉपी बन करके आएगा, क्या ये नवोदय का पेपर जो है वो ईएमआरएस एक नवोदय ही स्टाइल है, क्या ये जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी बताऊंगा आपको कि ईएमआरएस कुछ नहीं है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन। ये नवोदय विद्यालय का ही एक दूसरा रूप मान करके चलिए, समझ रहे हैं मेरी बात। नहीं, ये केबी से मैच मत करिए, ये नवोदय से मैच करिए। नवोदय के स्टैंडर्ड ही ईएमआरएस का स्टैंडर्ड होगा, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। तो ये ना पेपर कठिन होगा, ना पेपर बहुत सरल होगा, ये पेपर ऐसा होगा जैसा कि नवोदय का आता है, एक स्टैंडर्ड होगा पेपर का। तो ईएमआरएस के पेपर की अगर भरपूर तैयारी करनी है आपको तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जितनी यूपी पीजीटीज की वीडियोज हैं, नवोदय की वीडियोज हैं, केंद्रीय विद्यालय की वीडियोज हैं, इन सभी को आप एक बार देख डालिए। इतने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं मैंने कि आप अगर इन सभी वीडियोस के माध्यम से भी तैयारी करते हो तो मेरा वादा है, अनुसर का 100% वादा है कि आप ईएमआरएस सेलेक्टेड कैंडिडेट कहलाएंगे। और अगर आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से जो है वो लाइव क्लास लेना चाहते तो सबसे सिंपल क्लास है लाइव मास्टर क्लास। लाइव मास्टर क्लास बहुत चीप एंड बेस्ट है, एक साल की वैलिडिटी पर 1 रुपीज पर डे का क्लास कोई नहीं दे सकता ऑल ओवर इंडिया में। 1 रुपए पर डे का क्लास है ये, और 1 रुपए पर डे के क्लास से ज्यादा सस्ती एजुकेशन आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इसलिए अगर आपको ये तो मैंने ऐप पर बता दिया और फ्री आपको टोटली दे रहा हूं यूट्यूब पर लगातार महासंग्राम के माध्यम से। तो अगर हमारे इस महासंग्राम में आप इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे इस महासंग्राम में आप लगता है कि इससे मुझे बेनिफिट होगा, तो फिर आप चूकिए मत, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस ने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया है। ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म, आपको उनकी टेस्ट सीरीज, आपको उनके डेमो बच्चों के जो उन्होंने अपने आप बना करके भेजे, मैं लगातार आप तक देता रहता हूं, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि इट इज इंडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी के लिए आपको भरपूर मटेरियल प्रोवाइड करने की लगातार कोशिश करता हूं, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको देता हूं। और बाकी तो बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे तरीके हैं, आप तैयारी करिए और वो तैयारी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा निर्देशन में होनी चाहिए। केवल आप सिंपल वे में यूं ही तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो भाई सब लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत कुछ ही लोग कर पाते हैं। जो सही दिशा में मेहनत सही निर्णय के साथ में कर लेते हैं वही लोग सफल व्यक्तियों में गिनती है। दौड़ते सब हैं, लेकिन जो सही ढंग से टाइमिंग के साथ में दौड़ लेता है, जीत उसी की साबित होती है। तो अगर आपको ये जंग जीतनी है,
आपको इस जंग में शामिल होना है, इस जंग में अपने आप को एक जीता हुआ कैंडिडेट कहलाना है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। आप टीचर हैं पीजीटी के किसी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, यूपी बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड में, तो आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा अगर आपको पीजीटी की जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और अगर आप उसमें भी संतुष्ट हैं तो भी मुझे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुरा बुरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बार समाज को क्रैक करके जरूर दिखाइए, बिल्कुल जॉब मत करना। मैं नहीं कहता हूं अगर आपका कोचिंग बढ़िया चलता है, आपका कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी पकड़ है, आपका पब्लिक स्कूल के बच्चों से अच्छा रिलेशन है कि आपकी कोचिंग पर बंच लगता है बच्चों का, आप 2-4 लाख रुपए पर मंथ के आदमी हो, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप जाकर के पीजीटी में ज्वाइन कर लो, कतई में ज्वाइन करो। लेकिन एक काम करो, क्वालिफाई करके इंटरव्यू में नाम की लिस्ट लोगों के मुंह पे मार दो कि देखो आई एम एबल टू क्वालिफाई द पीजीटी एग्जामिनेशन, यूं ही कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। मुझे बदनाम ना करो कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, नौकरी नहीं मिली, मैंने नौकरी मिली मैंने छोड़ी है। इस बात का प्रूफ भी लोगों के को दे दो, क्योंकि ये समाज ये जरूर चाहता है कि अगर आप मीडियोकर हैं, मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो ये चीज आपसे उम्मीद रखता है, या फिर अपनी बुलंदियों को इतना छू लो कि किसी की हिम्मत ना होने पाए कि आप पर एक उंगली उठाए। उंगली उठाने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़े। तो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, इट इज नॉट ए मैटर, ये मैटर नहीं है। मैटर है जहां भी रहो परफेक्ट रहो, अपने आप को प्रदर्शित करो और अपने आप को उन सबसे आगे रखने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि 99% जॉब में जाने के बाद लोग डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मैंने देखे हैं और देख रहा हूं, दोनों बातें। लोगों को लगता है यार शर्मा जी इतनी मेहनत काहे करते हो भाई, सरकारी नौकरी तो तुम्हें मिल गई, तो मैं इसे सरकारी नहीं मानता हूं। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरे दिमाग में सरकारी का कीड़ा घुस जाएगा ना, उस दिन मेरा दिमाग यहां से केमिस्ट्री के नाम पर डैमेज हो जाएगा। एक लोगों ने मुझसे पूछा, बता रहा हूं कहानी, क्या क्या शर्माना इसमें बताने में यार। एक लोगों ने मुझसे पूछा कि शर्मा जी हमारे 20 साल के बहुत सीनियर है, हमारे 20 साल के कैरियर में हमारा जो ज्ञान था, हमने जब ज्वाइन किया था तो बहुत टैलेंटेड थे हम, हमारा ज्ञान मात्र 15% 10% रह गया, खत्म हो गया सब। आपका कितना खत्म हुआ? क्या क्वेश्चन था यार, सरकारी आदमी ने कैसा बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और अपनी बात भी बताई उसने, देखो मैं क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपको सादर नमन, सादर वंदन, लेकिन शर्मा जी के अंदर उल्टा हो गया। 12th लेवल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, 12th लेवल के स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाता था, ठीक 12th लेवल से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां यहां तो आया, यहां उल्टा ही हो गया। पीजीटी को पढ़ाने लगा, पीजीटी के सिलेक्शन देने लगा, यहां के 12th के बच्चों में एक्टिवेशन मैंने पैदा कर दिया, यहां के बच्चे जो ड्रेस में नहीं आते थे वो यूनिफॉर्म में नहीं आते, यूनिफॉर्म में आने लगे, यहां के बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं करते थे वो क्लास करने लगे, यहां के बच्चों को केमिस्ट्री लैब देखने को नहीं मिली थी, मैंने केमिस्ट्री लैब दिखा दी कैसी होती, यहां के बच्चों ने कभी प्रैक्टिकल में हाथ, उन्हें टेस्ट ट्यूब पता नहीं थी, उनको टेस्ट ट्यूब पकड़ाना सिखा दी, उनको प्रैक्टिकल सिखा दिए, उनको मैनर सिखा दिए। तो यार मेरे साथ तो उल्टा हो गया, चौंक गए, उठ गए कुर्सी से, बोले भाई साहब पहला आदमी देखा है जो ये सब कर रहा है। बोले आपको क्या इससे कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा? मैंने कि नींद बहुत अच्छी आती, कुछ नहीं फायदा होगा, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है आपसे, आप यूपी बोर्ड के धुरंधर आदमी हो, मैं तो नहीं हूं, मैंने तो अभी 4-5 साल पहले ही ज्वाइन किया है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हां ये निश्चित है कि मैंने वो काम किया है जो यहां पर अभी 25 साल से नहीं हुआ था। मैं एक्सपर्ट हूं या नहीं हूं डजंट मैटर, लेकिन मैं वो करके जाऊंगा कि अगर आप जाने के बाद भी मुझसे कहोगे कि यार शर्मा जी ने पढ़ाने का ये रवैया बना दिया, बड़ा गलत काम किया, हो सकता है आप
यही कह के मुझे नकारें और यही कहें, लेकिन मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे सब ये करने के बाद बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे इरिटेशन होता है जिस दिन भी मैं अगर आपके लिए न पढ़ा पाऊं, आपको न बता पाऊं, स्कूल में ना पढ़ा, बाय चांस कोई काम ऐसा आ जाए कि किसी कारणवश तो मैं उसका एवरेज निकालने की कोशिश करता हूं कि अगले दिन पढ़ा दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा जिससे मैं बच्चों का भला कर पाऊं, तब मुझे जाकर के आत्म संतुष्टि मिलती है। ये मेरा एक रूटीन है, मेरा एक तरीका है। और बाकी आप जाकर के कुर्सी पे बैठ करके और अपने आप को इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बोल करके अगर मन में तसल्ली करते हो, साहब ये आपके लिए मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। मैं एकमात्र अध्यापक हूं, मैं प्रवक्ता तो बाद में हो जाऊंगा, मैं एक छोटा टीचर हूं, अध्यापक हूं, केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मैं सीख जाऊंगा कि केमिस्ट्री आखिर क्या है, जिस दिन बच्चों को बता पाऊंगा कि आखिरकार केमिस्ट्री क्या है, ये विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किनको पढ़ना चाहिए, अगर ये बताने में मैं सक्षम रहा तो 100% मैं आपको, अपने आप को धन्यवाद दूंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने कुछ तो किया। बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कुछ तो किया। तो सीखने की गुरुजी कला ये मेरी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 20 साल मैंने उस स्थान पर बिताए हैं जहां पर मेहनत करने की एक आदत पड़ गई है। और आदत ही क्या जो बदल जाए, वो आदत ही क्या जो बदल जाए, तो साहब ये आदत तो मेरी नहीं बदलेगी। आपका ज्ञान घटा है, आपको मुबारक, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं घटने की दिशा में जाता नहीं, मैं बढ़ने की दिशा में चलूंगा और तब तक चलता रहूंगा जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक बच्चों को ज्ञान देने की कोशिश करता रहूंगा जब तक इस शरीर में जान है। सैलरी क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, मेरे इन चीजों से मेरा कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है। ना मुझे गिरने की चिंता है, ना मुझे उठने की चिंता है, मुझे तो बस तुम्हें बदलने की चिंता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके जिस विभाग में हो, जिस पद पे हो, जिस कार्यशैली के साथ में हो, उस कार्यशैली में वो परिवर्तन करने की कोशिश करिए जो लोगों ने डैमेज कर दिए। किसी भी विभाग में अगर आप जॉब करते हैं तो वहां बहुत सारे ऐसे कीड़े मिलेंगे आपको जो घुन की तरह उस विभाग को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और सिर्फ यही कह के उदाहरण देते हैं कि उन्होंने क्या किया था जो हम करेंगे। अरे तुम्हें इसीलिए तो भेजा गया जनाब कि तुम कुछ कर दो यहां पर। अगर प्राइमरी विभाग बदला है तो नए अध्यापकों की वजह से बदला है। जो अध्यापकों की रैपो है वो पुराने लोगों ने खत्म कर दी थी। जो बीच में एक लय आई थी जहां पर मेहनत का जज्बा खत्म हो गया था, वो पुराने लोगों ने खत्म की है। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं लगती, मैंने देखा है। लोग उदाहरण देते हैं यार कि तुम मास्टर की नौकरी कर रहे हो, बड़ा आराम की नौकरी है, क्योंकि वो भी ऐसे करते थे कि गुरुजी खेत जोत के चले जाते थे, गुरुजी खेत जोतने चले जाते थे। ये लोग उदाहरण दे देते हैं, क्यों दे देते, क्योंकि लोगों ने ऐसा किया। आज जो यंग जनरेशन प्राइमरी में गई है, प्राइमरियों की सिचुएशन बदल गई है, कॉन्वेंट फेल कर रहा है वहां पर। ऐसे ऐसे हमारे प्राइमरी के अध्यापक हैं, उन्हें भी सादर नमन करता हूं जिन्होंने वाकई में प्राइमरी स्कूलों की सिचुएशन बदल दी है, प्राइमरी स्कूलों का परिवेश बदल दिया है। उन्होंने चाहे वो कैसे भी एनी हाउ मेहनत करी हो, आज देखो टाइल पत्थर डेंटिंग पेंटिंग सब लगी है, तो उनको भी मैं सादर नमन करता हूं, प्यारे अध्यापकों को जो यंग ब्लड पहुंचे और उन्होंने दिशा बदली। और यही जरूरत इंटर कॉलेज को भी है, जहां पर मैं हूं मैंने भी अथक प्रयास किया है उसकी दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए। लेकिन जितनी कोशिश करता हूं, लोग हो सकता है मुझे ऐसे करके पीछे तरफ खींचते हो, लेकिन उनके खिंचाव से ज्यादा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। डरता नहीं हूं किसी से, ना डर भी नहीं लगता, एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं लगता मुझे,
क्योंकि अगर आपको भी ये नहीं लगता है तो मालूम कब नहीं लगेगा, जब आप अपने काम में बिल्कुल सटीक होगे, कब अपने काम पर सही चोट दोगे, तो फिर डर किस बात का। डरे वो जो काम करने, अरे आओ मेरा चेक कर लो मेरी केमिस्ट्री, बैठ जाओ मेरे क्लास में, क्वेश्चन चार तुमसे भी पूछ लूंगा क्या दिक्कत आ रही। अगर आप केमिस्ट्री के अध्यापक को चेक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। आप फिजिक्स के अध्यापक के क्लास में बैठने जा रहे हो तो आपको ज्ञान होना चाहिए। टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हो तो टीचिंग स्टाइल के लिए बीएड एजुकेशन मस्ट है आपके लिए। क्या आपने की है, एमएड किया है आपने, पीएचडी की है आपने, तो आइए बैठिए चेक करिए, मैं तैयार हूं, सरेंडर कर दूंगा अगर गलती होगी तो। यार ऐसा बनिए, धुरंधर बनिए ना, क्या मतलब है जिंदगी जी के चले जाना। मर के तो हर कोई चला जाता है, लेकिन जिसकी लाश के पीछे चलती है 10,000 50,000 की भीड़ जिंदगी, वही जी के जाता है। तो इसलिए बुलंदियों के साथ, पूरी ताकत के साथ में डटे रहिए, और मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तैयारी करें और वो बन के दिखाएं जो बनना चाहिए। तो ये मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, और सभी से ये कोशिश भी है कि आप भी कुछ ऐसा करिए जो वास्तव में दिखाए कि जीवन के लिए बदलाव, दिशा और दशा दोनों की जरूरत है, और सब बदलनी चाहिए। आप बदलोगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो फिर देश बदलेगा, ये निश्चित है। आज नहीं कल नहीं, लेकिन मेरे नौजवान साथी 100% इस देश को बदलने में साथ जरूर देंगे, चाहे वो एजुकेशन से लेकर के राजनीतिक सिस्टम ही क्यों ना हो। एक दिन ये राजनीति का सिस्टम भी एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित होगा, ये निश्चित है। तो अनुज शर्मा की आपसे विनम्र निवेदन है कि मेहनत करके दिशा को बदलने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि यही मैं चाहता हूं कि एजुकेशन भारत की हो और भारत एजुकेशन का हो। इसके लिए आपको किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो चले जाइए। तो दोस्तों को ये वीडियो जरूर बताइए कि अनुज सर आपके साथ हैं, आपको जिस भी तरीके की जरूरत पड़े तो अनुज सर का नंबर नोट करिए, 9473707711, इस पर व्हाट्सएप करिए। अगर एजुकेशन से जुड़ी हुई, मीन्स केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी आपको तकलीफ है, परेशानी है, तो मुझे शेयर करिए, मैं आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ईएमआरएस की तैयारी के लिए आप डटे रहिए, मैं आपके साथ हूं, आप घबराइए नहीं, बस आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा, हम आपका भरपूर साथ देंगे। थैंक यू, जय भारत, वंदे मातरम।